यू तो घिया तोरे की सब्जी है, काफी लोगों ने खानी पसंद नहीं होया करे, पर आज आप जिन तरह सब्जी बनाने तैयार करा ला उन्होंने बड़ा तो कही बच्चा भी मजा लेने खावेला। तो राम राम सा पापा मम्मी रसोई मारवाड़ी में आप सबारा स्वागत है सा। इन वास्ते मैं 2 पीस तुरेरा लिया हूँ जिका वजन रमायन लगभग 500 ग्राम है। अब ऐसा ऊपर इन तुरई ने पा छील लेवा, सब ऊपर ही तुरई रहा अगलो पार्ट और लालो पार्ट ने काट लेवा। इन चीज़ों आपने ध्यान रखना है कि तुरी पानी सॉफ्ट होनी चाहिए, ऊपर नाखून वगैरह डालना तारा मुँह नाखून माई न जाना चाहिए, और तुरई पाना हमेशा सीधी सीधी खरीदनी है। अब आप इन्हें छील लेवा, इन्हें ऊपर एकदम स्किन सॉफ्ट होया करे जिके आराम छिली जावे। इन तरह आप 2 पीस ने छील ने तैयार कर लिया हाँ। अब इन आप छोटा छोटा टुकड़ा कर लेवा, ज़्यादा छोटा टुकड़ा नहीं करा ला, लगभग 2 इंच का टुकड़ा कर लेवा, जिन्हों पर खाने में भी आराम रहे। इन टाइम आपने टुकड़ा थोड़ा बड़ा लगता वाला, जिन टाइम हिंडना तैयार वाला उन टाइम खाने वास्ते एकदम परफेक्ट रहला। तो आप देख पा रही हो जिन तरह मैं तुरई ने काट रही हूँ, तुरई एकदम सॉफ्टली कट रही है। एक जरूरी बात मैं आपने और बता दूँ, गिया जरिए अपने काटनी शुरू करा उन टाइम थोड़ा सा पीस काटने अपने चाक ने देख लेना, छोटा सा पीस निकालने अपने देखना, इन्हें अपना टेस्ट करने देख लेना, क्योंकि बहुत बार होया करे घिया पानी खारी निकल जाया करे। घिया पानी खारी निकल जावाला तो पूरी सब्जी टेस्ट खराब कर देला। इस वास्ते अपने पहले टेस्ट कर ले देख लेना। तो इन्हें मैं टेस्ट करने देख ली हूँ, घिया पानी एकदम मीठी है, खारी नहीं है। आ एक छोटी सी टिप है, पर इन चीज़ों आप ध्यान रखो ला तो आपकी मेहनत बच जावेला और सब्जी का नुकसान भी नहीं वेला। इन तरह दूसरी तोरी रहा भी अपना थोड़ा सा काटने टेस्ट कर लेवा। जितनी भी तोरी आप ले वो हर तोरी ने टेस्ट करनी जरूरी है। दो ही घिया अपने अच्छी निकली है। अब इन घिया ने अपना बीच में थोड़ा सा काट लेवा, जिन्हों मसालो वेला इन अंदर तक जावेला प्रो सब घिया ने अपना इन तरह काटना तैयार कर लेवा। पूरा नहीं काटना है अपन, 2 पीस रमाइन नहीं करना है, आधा उभ तो काट लेना अपन, जिन कारण कई एक मसाला मायने तक जावेला तो तुरई की सब्जी अपना खाने मायने बहुत अच्छी लगेगा। घिया जर पक जाया करे तो इन मायने बीज बन जावे और इनकी स्किन है जिकी थोड़ी हार्ड भी हो जाया करे, वह घिया खाने मायने अच्छी नहीं लग गया करे। इस वास्ते करे भी आप कच्ची घिया देखने खरीदो। अब इन तरह महंग घिया काटना तैयार कर ली हूँ, अब सब ना पाए बॉल रे मायने डाल दे। यूँ तो घिया काटने पर पानी रमायन डालना चाहिए, पर मैं इन्हें मैरिनेट करूँगा, इस वास्ते मैं पानी में नहीं डालूंगा। अब इन्हें अपना साइड में रख दे वहाँ। एक मिक्सी रो जार लिए हाँ, जिनमें सब पहले अपना 1 कप पैजता धाना डाल दिए वहाँ। मैं धाना डंडिया साथ लिया हूँ क्योंकि डंडिया काफ़ी कच्ची है, आप डंडिया पक्की हुए तो आप निकाल लीजिए, डंडिया कच्ची हुए तो रख जो, उन्हें फ्लेवर बहुत अच्छा आया करे। इन्हीं साथ मैं 2 हरी मिर्ची ली हूँ जिन्हें अभी मैं काट ली हूँ, अभी मैं डाल दी हूँ। 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया हूँ और अभी मैं डाल दी हूँ, इन्हें भी बड़ा बड़ा काटने डाल लिया हूँ मैं। इन्हें साथ 2 टेबल स्पून वही थी मैं सेकड़ी मूंगफली ली हुई हूँ जिन्हें मैं छिलको निकाल लिया हूँ, आप चाहो तो छिलके साथ भी ले सको। 5-7 कड़िया लहसुन ली हुई हूँ, अभी मैं डाल दूँ। आप लहसुन नहीं खाता हो तो आप लहसुन मत डाल दो। इन्हें साथ 2 टेबल स्पून वही थे मैं नारियल बुरा दो लिया हूँ, आप एक फ्रेश नारियल हुए तो आप वो भी ले सको। आप एक फ्रेश नारियल नहीं वन घोटा हुआ तो आप घोटा का टुकड़ा करने भी आप ले सको, वे भी डाल दीजिए बोले। इन्हें टेस्ट बहुत अच्छा वेला। अब सब चीज़ें अच्छी तरह पीसी ना तैयार हो जाए उन वास्ते मैं 1/4 कप पेजता दही ली हूँ और भी मैं डाल दी। आप दही नहीं खाते हो तो पानी डाल दीजो। अब इन्हें अपन ढक्कन लगा पीस ले वहाँ, भाई मिक्सी ने पा बंद कर ले वहाँ और खोलने एक बार देख लें। इन तरह अपना पीस ने तैयार करना देखो, अच्छा दरदरो पीस इसने तैयार हो गया, पर मेन पेस्ट नहीं बनाना इन्हों, इन तरह दरदरो पीस नहीं तैयार करना है। बस जिन मॉल में अपना तुरई निकालने रखी ही उन मायने अपा पेस्ट निकाल ले वहाँ। पेस्ट इन टाइम बहुत ही अच्छी खुशबू आवे, सब्जी तो इन कारण बहुत ही स्वादिष्ट बनना तैयार वाला। पूरा पेस्ट ने अपन निकाल लिया हाँ। अब इन मैंने अपना कुछ मसाला डाल दे वहाँ, तो मैं 1 टीस्पून वैसे थी लाल मिर्ची ली हुई हूँ, कश्मीरी लाल मिर्ची है, ज़्यादा तीखी नहीं होया कर पर कलर बहुत अच्छा है, आई मैं डाल दी। और 1/4 छोटा चम्मच वैसे इन मैंने हल्दी डाल दी, 1 छोटा चम्मच वैसे इन मैंने धाना डाल दी, और 1 छोटा चम्मच वैसे इन मैंने नमक डाल दी, और 1 टीस्पून वैसे इन मैंने कसूरी मेथी डाल दी। कसूरी मेथी ने इन तरह हाथ में मसाला अपना डाल दी जिनको फ्लेवर बहुत अच्छा है वाला। अब लास्ट में मैंने अपना 1 टेबल स्पून वैसा तेल डाल दिया और सब ने अपना अच्छी तरह मिक्स कर लेवा। इन मैंने अपना दही डाल लिया, दही रखटास के कारण तोरी अच्छी तरह पर मैरिनेट हो जावला, मैरिनेट हो रही तोरी के खाने में बहुत स्वादिष्ट लगेगा। मसाला सब इन मायने तक जावला, पर मसाला सब जगह इन तरह लाग जाना चाहिए, कोई तोरी एक खाली नहीं रहना चाहिए। इन तरह पर सब तोरी माते मसाला लगा दिया, पर 10 मिनट वास्ते इन्हें साइड में रख दें। और एक पैन में मैंने अपना 1 टेबल स्पून वैसा तेल डाल दिया, आप चाहो तो इन जगह माते घी भी डाल सको, और जिको भी तेल आप खापता हो उन्हें आप इस्तेमाल कर सको, ना गैस ने पा चालू कर दे। घी तेल आप अपने पसंद रहे हिसाब वो कम और ज़्यादा डाल सको। अब तेल अपना गर्म हो गया है, तेल गर्म हो गया पे आँच ने अपना धीरे कर लेवा, ना 1/2 टीस्पून वजह तो अपना जीरो डाल देवा। इनके साथ आप 1/4 छोटा चम्मच जितनी हींग डाल देवा, आप हींग ज़्यादा स्ट्रांग हुआ तो आप थोड़ी कम डाल दो। जीरो अपना अच्छी तरह पक गया है, देखो जीरो अपना अच्छा पक जाना चाहिए जिन्होंने उनका फ्लेवर बहुत अच्छा वाला। अब मैं 1 बड़ी साइज प्याज लिया हूँ जिन्हें महीन काट लिया हूँ और भी मैं डाल दी हूँ।
आप छोटी साइज जरा प्याज ले तो दो ले लीजिए, ना प्याज नहीं खाता वो आप तो स्किप कर दीजिए। बहुत सारे लोग के प्याज नहीं खाया करे, आप प्याज मत डाल दो, ना खाता हुआ तो जरूर डाल दो। मान प्याज का स्वाद बहुत ही अच्छा आ, प्याज ने अपन बहुत ज़्यादा पकाना तैयार नहीं करना है, खाली हल्का ट्रांसल्यूशन दिखन भूख जाना चाहिए, ये तो इस पकाना है। जिनको प्याज लो मिठास है मन बरकरार रहेगा, ये तो करण माए ना अपना एक मिनट रमाए नहीं तैयार हो जाए करे प्याज। अब प्याज देख रहे हो हल्का ट्रांसल्यूशन दिखन भूख जाए। अब मैं दो छोटी साइज टमाटर लिया हूँ, इन्हें भी मई काट लिया हूँ मैं, ये भी मैं डाल दूँ। टमाटर ने अपना मई काटने डालना है, आप चाहो तो पेस्ट बनाने भी डाल सको। टमाटर अपना अच्छा पकने तैयार हो जाए इस वास्ते अपना क्वार्टर छोटा चम्मच जितना नमक डाल देंगे। नमक ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि नमक पहले अपन डाल चुका हूँ। इन्हीं सब्जियाँ हिसाबू जो अपन ने नमक डालना है, इन्हीं साथ ही इन सब्जियाँ हिसाबू जो अपन थोड़ा दूसरा मसाला भी डाल देंगे। तो क्वार्टर छोटा चम्मच जो है तो अपन लाल मिर्ची डाल देंगे, और क्वार्टर छोटा चम्मच जो है इनमें अपन हल्दी डाल देंगे, और आधा छोटा चम्मच जो है इनमें अपन सूखा धना डाल देंगे। ऐसा भी इन सब्जियाँ हिसाबू डालना अपन, कांदा और टमाटर हिसाबू मसाला डालना है। अब अपन ढक्कन लगा रख दें जिन्होंने टमाटर अपन अच्छा सॉफ्ट हो जाएगा। अब टमाटर पका होता लगभग अपन 3-4 मिनट हो गया है, खोलना देखना, देखो तेल पूरा सेपरेट हो गया है, तेल पूरा अलग हो गया है, टमाटर भी अपना सॉफ्ट हो गया, देखो दबाव के आराम दब गया टमाटर, इन तो वो टमाटर अपना सॉफ्ट हो जाना चाहिए, ना तेल अच्छी तरह छूट जाना चाहिए। अब जी तुरई ने अपना मैरिनेट करने रखी वाई में डाल दिया। अटा मैं आपने याद दिला दूँ, आपने हमारी रेसिपी कड़ी लाग रही है नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिखने मैंने जरूर बताइजो। आपने अच्छी लागती हुआ तो आप इन्हें लाइक कर जो, अच्छी नहीं लगा तो आप डिसलाइक भी कर सको, पर आप कमेंट जरूर किया करो जिन्हों मन मालूम पड़ता रहे कि आप रेस्पॉन्स करो। आप देख रहे हो तुरई अपने थोड़ी सूखी सूखी लाग रही है कि पूरा मसाला है तुरई अच्छी तरह एब्जॉर्ब कर लिया है, तो थोड़ी देर रुके तुरई में अपना पानी निकलना शुरू हो जाए। अब सब ने अपना अच्छी तरह मिक्स कर लिया हाँ, तो सब मसाला कही है तुरई में अच्छी तरह लपेट ही गया। अब जिन बर्तन में मैंने आप मैरिनेट करना रखे उन बर्तन में थोड़ा पानी डाल दें, आधा कप का पानी डाल दें, आप साफ करने और पानी में डाल दें, जिन्हों का ये मसाला वेस्ट भी नहीं वेला अपने ने तुरई ने पकड़ने मायने भी हेल्प करेला। अब ढक्कन लगाने अपना तुरई ने पकन वास्ते रख देना, इन मसाले भी पक जाएगी और तुरई भी पक जाएगा, आँच ने अपना धीरेज रखनी है। अब इन पकाता है लगभग 3-4 मिनट हो गया है, एक बार खोलने देख ला अपना, देखो धीरे धीरे आँच से मैंने बहुत ही अच्छी पक रही है, इन तरह अपना कहे 2-3 मिनट बाद में चला ली होना, जिन्हों का ये चटा नहीं और अच्छी चारों तरफ पकना तैयार हो जाएगा बढ़िया। मसाले देखो इन्हें बहुत ही अच्छा लग रही है, इन तरह मिक्स करना अपना वापस ढक्कन लगाने रख देना, कि तुरंत ज़्यादा टाइम नहीं लगे पर थोड़ी देर लगेगा, हाल तक आ थोड़ी हार्ड लाग रही है, पर धीरे धीरे आँच में पकाना अपन, ढक्कन लगाना वापस अपन रख देंगे। तुरई डाली अरे बाद में अपना 10 मिनट तक और पका लिया, देखो पूरा तेल छूट गया है तो तुरई अपनी सॉफ्ट होगी, देखो आराम दब रही है सब तुरई, इन तरह वो सॉफ्ट हो जाएगा तुरई, देखो आप देख रहे हर तुरई दब रही, 10 मिनट में तुरई पानी बहुत ही अच्छी दब जाएगी, अब परफेक्ट बनना तैयार हुई है, गली बनी है तुरई और परफेक्ट बनना तैयार हुई है। इन मायने तक अच्छा मसाला गया अपना तुरई पकिया रहे बाद में अपना पाव छोटा चम्मच होता गर्म मसाला डाल देगा, गर्म मसाला हमेशा लास्ट में ही डालना, इन्हें साथ थोड़ा सा हरा धना डाल दें जिन्हों को दिक्कत न मैंने अच्छा लगे, धनिया डालना ऑप्शनल आप पसंद हुआ तो आप डाल दो, पर थोड़ा सा ऊपर डाला जरा अच्छा लगे। अगर तुरे रामायण खुद में इतना पानी निकलिया करे कि पाना पानी नहीं डालना पड़ा ज़्यादा, बस मैं थोड़ा सा पानी डाल लिया उनके हमारा आधा कप जी, तो तुरी देखो पानी सॉफ्ट अच्छी बनने तैयार। तो आप देखिए सा अपा कोई इनमें स्पेशल मसाला ऐड नहीं करिए, जिसका मसाला घर रामायण अपना आसानी मिल जाए वही मसाला डालने सब्जी बनाने तैयार कर लिया, और बिल्कुल जड़ी ढाबे रामायण है या रेस्टोरेंट रामायण सब्जी बनाए है उन्हें बच्चे बढ़िया सब्जी बनना तैयार हुई है, इन्हें बनवाने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगे, 15-20 मिनट रामायण सब्जी बनने तैयार हो जाए करें। तो आप भी अपने घर रामायण सब्जी बनाने रोटी पूड़ी पराठा किन्हीं भी साथ जरूर सर्व कर जो। बेर मिला सा दूजा वीडियो रामायण है, जब तक राम राम सा।